वाराणसी जेपी मेहता इंटर कॉलेज में मिला नरकंकाल मचा हड़कंप। जेपी मेहता इंटर कॉलेज परिसर में झाड़ियों के बीच बुधवार की दोपहर नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर एनके सिंह की सूचना पर कैंट थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार कोरोना काल में स्कूल में शेल्टर होम बनाया गया था। आशंका जताई जा रही है कि कहीं उसी समय तो किसी की मौत तो नहीं हो गई थी या फिर किसी की हत्या करके शव को तो नहीं फेंक दिया गया था। पुलिस फिलहाल पड़ताल में जुटी हुई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। प्रभारी निरीक्षक कैंट राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी, जरूरत पड़ी तो विधि प्रयोगशाला में डीएनए जांच भी कराई जाएगी। फिलहाल फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू कर दी गई है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर एनके सिंह, प्रिंसिपल जेपी मेहता, नगर निगम इंटर कॉलेज वाराणसी। अच्छा, कॉलेज परिसर में किसी नरकंकाल मिलने की सूचना है, पुलिस भी मौके मिला है, क्या मिला? ऐसा है कि विद्यालय परिसर की मुख्य भवन के पीछे जंगल और झाड़ियाँ काफ़ी बहुत पहले से लगी हुई है। इसका हम लोग वर्ष 2017 जब हम अगस्त 17 में कार्यभार ग्रहण किए तब से लगातार सतत प्रयत्नशील विद्यालय की ज़मीन को खेल मैदान पर पीछे बनवाने के लिए मैं नगर निगम से प्रयास कर रहा हूँ। विगत दो दिन पूर्व से खेल मैदान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। आज मध्य अवकाश में विद्यालय के बच्चे कौतूहलवश, चूँकि विद्यालय का भवन का कार्य भी नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है रिपेयर्स का, तो बच्चे पीछे गए और बच्चे के द्वारा ये मालूम हुआ कि जर्जर भवन में एक कंकाल पड़ा हुआ। तुरंत टीचर्स को सूचना मिली, टीचर्स उसको देखे और मुझे भी सूचना दी और मैं इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को और अपने नगर निगम जो हमारे प्रबंधक महोदय हैं उनको सूचना, नगर आयुक्त को सूचना और बरुणा पार के क्षेत्राधिकारी जो हमारे जेपी मेहता नगर निगम टेक कॉलेज के उनको भी मैंने सूचना दी। इतनी ही बात मैं सिर्फ जानता हूँ जो आपके सामने। अच्छा, एक चीज़ हम ये भी जानना चाहेंगे, ये कॉलेज कोरोना काल में अस्थायी तौर पर मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों को रखा जाता था? एकदम, कोविड 19 में नगर निगम और प्रशासन के द्वारा इसको आश्रय स्थल बनाया गया था। आश्रय स्थल में जो मुझे जानकारी है, इसकी मुख्य जानकारी आपको नगर निगम के द्वारा ही मालूम होगा, लेकिन जो मुझे जानकारी है कि आश्रय स्थल में वो लोग रहते थे जो सड़क पर राहगीर थे, जिनको पागल या जो भी कह सकते हैं उस तरह के लोगों को यहाँ रखा गया था। कोविड 19 स्कूल चल रहा था तो क्या इस टाइप का कोई मामला आया है छात्र के गायब होने का? ना ना, कोई भी ऐसी सूचना नहीं। अच्छा, एक दूसरी बात, कोई भी इस तरह की दूर दूर तक कहीं से विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रशासन को, प्रिंसिपल को, शिक्षक को या किसी बच्चे को या किसी अभिभावक से कहीं इस तरह की कोई सूचना नहीं। दूसरी बात है, इस कॉलेज कैंपस से पीछे जाने का रास्ता सिर्फ एक यही एक मेन गेट था या? हाँ, ये कहीं मेन गेट ही है। अच्छा, तो बच्चों के जाने के लिए मेन गेट ही और बाकी पीछे जो बाउंड्री हमारी जो है वो जर्जर की अवस्था में बाउंड्री हमारी है, बाउंड्री छोटी भी है। अच्छा, जो लोग यहाँ रखे जाते थे रोज उनकी काउंटिंग वगैरह होती थी? ये मैं कैसे बता सकता, ये तो नगर निगम का कार्य है, नगर निगम जाने, ये प्रशासन का काम है वो जाने। हमारा काम बच्चों को पठन पाठन का काम है, ना कि उनके हमें आश्रय स्थल को ही देखना है कि उसमें कितने लोग हैं, कौन हैं, कहाँ से हैं, उससे हमें क्या। अच्छा, ये बताइए, आज से कॉलेज खुला है तो इससे पहले क्या इस तरीके की जब कार्यालय खुलता था तो साफ सफाई का प्रयास आपने नहीं किया कि जब कॉलेज खुला है? आपको कैंपस देखने से क्या लग रहा है कि साफ सफाई नहीं है? तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? नहीं, आप लापरवाही कहाँ मानते हैं, जहाँ जंगल झाड़ी है जिसमें कोई का आना जाना नहीं उसको लापरवाही आप इसे मानते? इधर जंगल झाड़ी मैं कह रहा हूँ कि जंगल झाड़ी है और आप लापरवाही की बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि पूरे जनपद में, जनपद क्या प्रदेश स्तर पर अगर हम कहें तो जेपी मेहता। आज थाना क्षेत्र कैंट में सूचना प्राप्त हुई कि जो जेपी इंटर कॉलेज है, जेपी मेहता इंटर कॉलेज, इसके अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, इंस्पेक्टर साहब पहुंचे और साथ में फील्ड यूनिट वहां पर मौके पर तत्काल पहुंची। यहां पे बाकी सीओ साहब और मेरे द्वारा भी मौके पर आया गया और यहां पे ये पाया जा रहा है कि ये कंकाल कुछ महीने पुराना है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है,
इसलिए बॉडी पीएम के लिए भेजी जाएगी। उससे पहले की जो प्रोसीजर है ये है कि इसमें पहले सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कराना, शिनाख्त कराना भी ज़रूरी है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर एन के सिंह, इनसे भी वार्ता हुई है। ये पता चला है कि ये बिल्डिंग पिछले 15 साल से जर्जर पड़ी हुई है और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, एक डेढ़ साल से पहले से यहाँ से काम चल रहा है। तो उसके सारे बिंदुओं को उसको भी देखते हुए पता चलेगा कि ये बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पूछताछ करी जाएगी और प्रिंसिपल साहब से भी वो पूछताछ करी जाएगी कि ये बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए उनसे मदद भी ली जाएगी। सर, ये बॉडी रूम में मिला है या रूम के बाहर? ये बॉडी रूम के अंदर मिली है। यहाँ पे क्लासरूम है, क्लासरूम में बेंचेस इस्टेब्लिज हैं, लोहे के पल्ले लगे हुए हैं, उसके नीचे बॉडी मिली है। अच्छा सर, ये ऐसा बताया जा रहा है कोरोना काल में मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के लिए सेंटर होम भी बनाया गया था, क्योंकि ये कॉलेज का पिछला हिस्सा है और नदी का किनारा है, तो ऐसे में क्या आशा की जा सकती है? इसकी जानकारी प्रिंसिपल साहब और बताएंगे, अभी मौके पर मैं अभी भी आया हूँ, इस सारी जानकारी प्रिंसिपल साहब से आगे दी जाएगी। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया इसमें सब कुछ डायरेक्टली हम लोग नहीं कह सकते हैं, पहले हम फॉरेंसिक रिपोर्ट का वेट करेंगे, पीएम का रिपोर्ट का वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग बता पाएंगे।